हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि राइट फार्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेना है। मेरे पास 2007 वर्जन है, आपके पास जो भी वर्जन है, तरीका लगाने का फार्मूला लगभग सब में ऐसा ही है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहां पे आ जाएंगे व्यू पर और डिजाइन व्यू पर आ जाएंगे। हम यहां लिख देते हैं राइट, चूंकि हम राइट का फार्मूला ही यूज कर रहे हैं, देन यहां ओके प्रेस करेंगे। अब यहां पे आईडी आ रही है, इसको मैं आईडी रहने देता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं नेम, ठीक है, ये टाइटल है और नेम जो है टेक्स्ट डेटा टाइप होगा और यहां पर हम अपना फार्मूला लगाएंगे। चलिए अब इसको यहां से ओके करते हैं, यस करते हैं, तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब यहां कोई ना, क्रिएट पर चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पर, और ये जो क्वेरी डिजाइन का शो टेबल है इसको ऐड करवा लेते हैं। अब यहां पर हमें आईडी और यहां पे नेम दोनों चीजें इंसर्ट करवा लेनी होंगी और यहां पर हम अब काम करने वाले हैं, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि यहां पे लिख देते हैं हम कैरेक्टर पोजीशन, तो सी एच ए आर कैरेक्टर पॉस मैं लिख देता हूं। और अब हम राइट फॉर्मूला का यूज करके कैरेक्टर पोजीशन पता करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन स्ट्रिंग फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है। इन स्ट्रिंग के बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम राइट फॉर्मूले का यूज कर पा रहे हैं। इन स्ट्रिंग में हमें लिखना क्या है, यहां पर लिखना है नेम, एन ए एम ई लिखा मैंने, और इन स्ट्रिंग फॉर्मूला लगाने के बाद यहां कॉमा देंगे और डबल रोटेटेड कोट्स में जो भी नाम आपने लिखा है उसका कोई भी अक्षर, ठीक है। जैसे मैं कर लेता हूं एम, ओके, और इसको करता हूं क्लोज। अब हमको यहां सिंपली रन पे क्लिक करना है। तो यहां पर अब कोई अगर हम नाम लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं राम सिंह, ओके, तो यहां लिखा राम सिंह। और यहां से अब हम जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो ये तीन नंबर पे दिखा रहा है। ये तीन नंबर क्या है, ये एम की पोजीशन बता रहा है, ठीक है। आइए इसी के क्वेरी में आगे चलते हैं हम और जानते हैं कि कैरेक्टर्स को हम कैसे लेके आ पाएंगे। तो यहां पर राम सिंह लिखा था मैंने, तो ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं सी एच ए, ये मैं हेडिंग दे देता हूं, और यहां पे इंस्ट्रिंग फॉर्मूला वापस से एस टी आर, ओके। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे हम, इंस्ट्रिंग फॉर्मूला तो हमने लगा लिया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, लिखता हूं नेम, ओके, नेम लिखा हमने। और अब हम क्या करेंगे, नेम लिखने के बाद इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और कॉमा देंगे, ठीक है। कॉमा देने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहां पर एक अक्षर लिखना है जो कि उस नेम में आया हो, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं आर, ओके, तो ये आर की पोजीशन बताएगा कि ये आर कौन से नंबर पे है। तो देख सकते हैं आप, तो यहां पे आर की पोजीशन, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि यहां पे कैरेक्टर लिखा हुआ आ जाए कि इसके बाद कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये पूरा ही फॉर्मूला हटा देते हैं यहां से और हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे राइट का, ठीक है। तो चलिए यहां पर आर से राइट होता है, आर लिखा हमने, और यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला राइट का, तो राइट लिखा हमने, और यहां पर लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, फिर लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद हम नेम में राइट वाला जो फाइंड करना है वो पोजिशन फाइंड करेंगे। तो यहां नेम लिखा हमने, कॉमा दिया। अब यहां पर क्या करना है हमको, यहां पर मैं लिखता हूं कैरेक्टर पोजिशन, ठीक है। तो यहां पे हम कैरेक्टर पोजीशन लिख देंगे, तो चलिए लिखते हैं सी एच ए आर कैर पॉस, ये लिख दिया हमने पीओएस, ओके। और अब यहां पर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और यहां से करेंगे इसको रन। तो जैसे ही हमने रन किया तो यहां पे देख सकते हैं कि राइट साइड का जो तीन वर्ड है वो आ रहा है। ये तीन वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां कैरेक्टर पोजीशन जो हमने दिया था वो तीन यहां लिखा हुआ है, ठीक है। आइए यहां कोई और नाम टाइप करते हैं, जैसे मैं टाइप करता हूं दुर्गेश कुमार साहनी, ये नाम टाइप किया हमने। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पे देख सकते हैं कि ये तीन नंबर के बाद यहां पे देखिए एक किस नंबर पे आया हुआ है, ए, क्योंकि वहां पे हमने ए दिया था। तो आइए देखते हैं, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, आप देख सकते हैं। ये मैं एक काम करता हूं, इधर से काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह, तो ये ग्यारह नंबर यहां पे आ रहा है, एम पे आ रहा है, ठीक है। और इधर से हमें काउंट करना है, यानी आपको लेफ्ट साइड से काउंट करना है, लेकिन ये निकाल के किधर से देगा, ये राइट साइड की जो कैरेक्टर्स हैं उनको निकाल करके हमें दे देगा, ठीक है। तो यहां तक आ रहा है ग्यारह, तो ग्यारह के बाद का जो भी कैरेक्टर बच रहा है वो निकाल करके हमें दे दे रहा है। तो ये इस तरीके से राइट फॉर्मूला काम करेगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ रही होगी। एक बार